तो यार कैसे हो? और आज हमारे पास बहुत सारी एनिमे अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी, जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे। तो चलो बढ़ते हैं हमारी पहली अपडेट की ओर। तो आज से 2 हफ्तों पहले सुपर हंगामा पर एक प्रोमो आया था जहां पर हमें बोला कैंपक, बेब्लेड और पोकेमॉन सीजन 18 की थोड़ी बहुत झलक देखने को मिली थी, और ऐसा कहा गया था कि इस समर्स में हमको ये सारे शोज देखने को मिलने वाले हैं। पर आज 2 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका है पर अभी भी पोकेमॉन सीजन 18 का अता पता क्यों नहीं है, यानी कि डिज्नी इंडिया ने आखिरकार क्या कर दिया। तो काफी सारे फैंस चिंता में जा चुके हैं कि क्या डिज्नी इंडिया ने इसे फिर एक बार डिले कर दिया या फिर टोटली इसे स्क्रैप आउट कर दिया। तो डरने वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से जब डिज्नी इंडिया ने इनिशियली ये प्रोमो लॉन्च किया था तब उनका प्लान था कि इसको अप्रैल में ही दिखा देते हैं, पर बाद में उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको अप्रैल में दिखा देते हैं तो ये एक बैकलैश की तरह होगा क्योंकि अप्रैल में बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स होते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस और बहुत सारे स्कूल्स के एग्जाम तो 15th या 16th अप्रैल तक चलते रहते हैं। इसके वजह से शायद से इन्होंने इसको थोड़ा बहुत होल्ड किया है और ये लोग मई के टाइम पोकेमॉन सीजन 18 हमको दिखाएंगे, जो कि एक यू नो लॉजिकल बात होगी क्योंकि मई के टाइम सबको ही छुट्टी होती है और मई के टाइम मोस्टली लोग घर पर ही बैठे होते हैं, तो उस टाइम पर ये लोग पोकेमॉन सीजन 18 हमको दिखा सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि मई के टाइम बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है क्योंकि नारुतो सोनी ये पर आएगा, ड्रैगन बॉल जी काई भी कार्टून नेटवर्क पर चलते रहेगा, इसके साथ आईपीएल भी होगा, और डिज्नी इंडिया किस टाइमिंग पर पोकेमॉन सीजन 18 को लाएगी ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी क्योंकि सोनिक ने भी कह दिया है, क्योंकि अभिषेक दत्ता सर से मेरी बातें हो रही थी और उन्होंने कह दिया था कि के टाइम शायद से ही वो लोग 3 नए एनिमे वहां पर लॉन्च करने वाले हैं, उसका कुछ प्रोमो आ जाएगा, तो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, यानी कि एनिमे फैंस के लिए काफी अच्छा माहौल बनने वाला है खासकर टीवी पर। तो इसके साथ हम बात करते हैं पोकेमॉन सीजन 19 के बारे में। तो पोकी चार्टर की रिसेंटली मैंने वीडियो देखी जहां पर उसने बताया था कि पोकेमॉन सीजन 19 की हिंदी डबिंग भी शुरू हो चुकी है, पर ये डिज्नी इंडिया के लिए नहीं बल्कि होने वाली है पोकेमॉन हिंदी यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि काफी वियर्ड बात है क्योंकि पोकेमॉन एशिया जो हिंदी यूट्यूब चैनल है वो बहुत आगे निकल चुका है, यानी कि किसने सोचा था कि हमको पोकेमॉन जर्नीज हिंदी डब में यूट्यूब पर देखने को मिलने वाला है। हम सोच रहे हैं टीवी पर आएगा पर नहीं, यूट्यूब बाजी मार गया, वो बहुत आगे तक चला जा चुका है, पर डिज्नी इंडिया जो है वो बहुत धीरे धीरे काम करने वाली है। तो पोकेमॉन सीजन 19 जो है वो हमको पहले यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा और इसके बाद शायद अगले साल या फिर अगले 2-3 सालों बाद शायद डिज्नी इंडिया पर देखने को मिल जाएगा क्योंकि डिज्नी इस पूरे मामले में बहुत स्लो काम करती है। अगर ये कार्टून नेटवर्क होता तो अभी तक हम पोकेमॉन अल्ट्रा सन अल्ट्रा मून तक तो पहुँच ही जाते, पर डिज्नी के अंडर भाई बहुत ख़राब हाल है पोकेमॉन का। स्टार्टिंग तो उन्होंने बहुत अच्छी की थी जब भी 2014 एक्सेट्रा में पोकेमॉन आया था, पर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया है, डिज्नी एकदम पोकेमॉन के ऊपर खोई चुकी है, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग आई डोंट नो। इसके बाद बात करते हैं डीमन स्लेयर के बारे में। तो डीमन स्लेयर सीजन 3 अब इंडिया में ऑफिशियली आ चुकी है, तो इसको देखने के 2 तरीके हैं, एक तो ये क्रंची रोल पर अवेलेबल है और दूसरा तरीका है नेटफ्लिक्स इंडिया का सब्सक्रिप्शन। पर जब मैंने इनिशियली ये न्यूज़ देखी थी तब मुझे लगा कि इसकी हिंदी डब भी आएगी, यानी कि मैंने 2-3 वीडियो पहले बताया था कि ये सिमिल डब होगी हिंदी में, जिसका ये मतलब है इसका जब जापानीज डब आएगा उसी के साथ इसका हिंदी डब वर्जन भी हमको देखने को मिलेगा वही दिन पर और उसी टाइम पर। पर दैट्स नॉट द केस क्योंकि हिंदी डब जो है वो शायद से हमको 1 या 2 हफ्तों के बाद देखने को मिलने वाला है, सो दैट्स काइंड ऑफ अ बमर, बट नो प्रॉब्लम क्योंकि पहले क्या होता था 1-2 सालों बाद हमको हिंदी डब देखने को मिलता था, कभी कभी 10 सालों बाद देखने को मिलता था, पर इस बार चलो 1-2 हफ्ते का डिले तो हम सह सकते हैं, बट इट्स गोइंग टू बी ऑसम क्योंकि डीमन स्लेयर की हिंदी डब जो है वो बहुत इंप्रूव हुई है क्रंची रोल पर। शुरुआत में ये काफ़ी अजीब सा था पर धीरे 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 उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, तो आई कांट वेट टू सी सीजन 3 इन हिंदी। तुम्हारे क्या विचार है ये मुझे कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बता देना। इसके बाद बात करते हैं नारुतो के बारे में। अब देखो नारुतो की पूरी सीरीज में बहुत सारे फाइट सीन्स है और देखकर मज़ा आ जाता है लोगों को, पर अगर तुमसे कहा जाए कि पूरे नारुतो की सीरीज में सबसे बेस्ट फाइट सीन क्या है तो तुम क्या कहोगे? तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी पोल हुई थी, एक बहुत बड़ी रेटिंग सिस्टम हुई थी जिसमें तुम्हें पता है कि नारुतो के पूरे सीरीज में कौन जीता, यानी कि दी बेस्ट फाइट सीरीज इन नारुतो का विनर है साकुरा वर्सेस सासोरी, जो कि काफ़ी वियर्ड है। अब देखो ये एक्चुअली एक
ट्रिपल थ्रेट मैच था क्योंकि साकुरा के साथ ग्रैंडमा चियो भी थी, RIP ग्रैंडमा चियो, बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर थी, पर ये लोग सासोरी के साथ लड़ रहे थे जो कि काफ़ी अच्छी बैटल मैं कहूँगा थी। इट टोल्ड अ वेरी गुड स्टोरी, एट दी एंड मैं बहुत इमोशनल हो गया था, बट इसको दी बेस्ट बैटल इन नारुतो कहना आई डोंट थिंक ये उतना भी डिजर्व करता है, यानी कि अगर ये 8 या 9 पर आ जाती तो मैं समझ जाता, पर नंबर 1 पर तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे साकुरा के फैंस ने इसको मैन्युपुलेट किया है वोटिंग को। साकुरा के फैंस कौन है आई डोंट नो, क्योंकि नारुतो के यूनिवर्स के अंदर एक मीम है कि साकुरा इज़ द मोस्ट यूजलेस कैरेक्टर इन नारुतो, जो कि एक हद तक ठीक भी है, बट आई डोंट रियली थिंक, क्योंकि भाई उसने बहुत इम्प्रूव करा है, बट अभी फैंडम को कौन समझाए। तो देखो यार, मैं नहीं जानता ये क्या है, पर अगर मेरा ओपिनियन लो तो मेरे हिसाब से दी बेस्ट फाइट सीरीज फाइट सीन इन नारुतो की ओवरऑल सीरीज इज मादारा वर्सेस गाई सेंसेई। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि उस पर्टिकुलर सीन को देखकर, उस पर्टिकुलर फाइट को देखकर मैं पागल हो गया था कि भाई ये क्या चल रहा है यार, ये बंदा क्या है। बट तुम्हारे ओपिनियंस क्या है, तुम्हारे हिसाब से बेस्ट फाइट सीन इन नारुतो की सीरीज क्या है, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। और क्या सास्के नारुतो के पूरे यूनिवर्स में दी मोस्ट यूजलेस कैरेक्टर है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट्स में बता देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ड्रैगन एग्स, बाय बाय।